आवाहन कालरु एही काकटपुरे पूजा पाई आसुछंती सकल भक्तजनंकु तांको भावरे बांधी रखिछंती हेले जिए तांको भावरे बांधी रखिछि जहांकर नीति सकल संज तांकरि सेवारे कटुछि आसंतु तांकठु सुनिबा। जगज्जननी शंकरी परमाद्या भूता तुमेव मातः भवानी परमाद्या रूपा ज्ञान धात्री जननी परम पवित्रा मंगलम नाम मंगला शरणम प्रपद्ये। माँ मंगलांकर प्रतिदिन माँ पंचोपचार पूजा पाई सका प्रातः समय माँ स्नान मार्जना सरला मंगला आरती सरला सका सूर्य पूजा पर द्वारपाल पूजा बल्लभ सका दीप दीपर दीप एवं भंड भंड सरला माँ को पहुड़ कराए माँ मंगला जहाँ नीति अच्छी जगन्नाथ महाप्रभु से संध्या समय माँ को संध्या आरती कराए और रात्र माँ को अन्नधूप कराए माँ को मुख्य अन्नधूप दही पखाल पूजा कराए काकरा केली पूजा करा बड़ी सिंगार वेश को वेश कराए मंदिर पहड़ कराए यह हूँ प्रतिदिन पूजा जहाँकि पंचोपचार पूजा कराए कि आश्विन मास समय मूलाष्टमी महाअष्टमी पर्यंत माँ को षोडशोपचार पूजा कराए ये षोडशोपचार पूजा माँ को सप्तमी अष्टमी षष्ठी पंचमी विभिन्न रीतिनीति हिसाब से माँ को वेश कराए तन्मध्य महासप्तमी माँ को सिंहवाहिनी वेश जो सिंह पर बस माँ महिषासुर को ठाब कर महाअष्टमी में महिषासुर को वध कर तो विभिन्न रीतिनीति हिसाब से माँ को आश्विन मास रे षोडशोपचार पूजा कराए वर्ष तमाम माँ के पंचोपचार पूजा कर समय आश्विन मास रे मूलाष्टमी महाअष्टमी पर्यंत माँ को षोडशोपचार पूजा कराए एवं चैत्र मास रे माँ को प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध धाम यात्रा जहाँ वैशाख मास रे प्रथम मंगलवार दोल पूर्णिमा जीवार जो पंचम मंगलवार पड़ता है से दिन माँ को झाम यात्रा अनुष्ठित होता है जो झाम यात्रा रे मंदिर सम्मुख भाग रे एक गर्त सृष्टि होता है जो अग्नि संजोग करा जाए जो माँ को जो पटुआ सेवायत अच्छा कालाईसी अच्छा से माने खाली पाद गर्त कुंड अग्निकुंड प्रवेश करता माँ को झाम यात्रा समापन करता यह देखापी ओडार पूरपल्लीरु मातृभक्त मैंने लक्षाधिक भक्त मैंने आसी था माँ को दर्शन अभिमुखे पर मंगल कामना माँ को ना हूँ माँ मंगला सर्वमंगला काकटपुर माँ मंगला पीठ यह पीठर महात्म्य पुरुषोत्तम क्षेत्र इतिहास सहित जोड़ी हो रही पुरुषोत्तम क्षेत्र रक्षयत्री तथा तो पुरुषोत्तम महाप्रभु श्री जगन्नाथ नवकलेवर दारु संग्रह करिबारे देवी मंगला जो भूमिका रही ही वास्तव में मंगला प्राधान्य प्रतिपादन करे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ नवकलेवर ओडियांकर आउ एक भावाबेग चतुर्थ मूर्ति दारु संग्रह बाहरती द्वैतापति माने चलचंचल हो उठे मंगला ये पवित्र पीठ एउठो माँ को पाखर आज्ञामाल नेबा द्वैतापति मैंने गुहारी आपणते आश्राम नि मंगला पीठर अनति दूर से देउली मठ रे ये होचे सही मठ जे मठ रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ नवकलेवर उपलक्षे दारु निरूपण रे नियोजित सेवायत माने विश्राम नियंती माँ को पाखरे गुहारिया पड़ती माँ को निर्देश क्रमे एठारु ही दारु संग्रह रे बाहरी पड़ती माँ काकट मंगला अष्टचंडी को मधुर अन्यतम माँ को पीठ पर देउली मठ मध्य एक पवित्र स्थल प्राचीकूल अवस्थित ए मठ रे विश्राम नियंती दारु संग्रह रे नियोजित होइथिबा द्वैतापति माने
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏ ଦେଉଳି ମଠର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳବର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଷାଢ଼ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମନ୍ଦିରର ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ କୁଳଗୁରୁ ରାଜଗୁରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳକରଣ ଚଢ଼ଉକରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଉଳି ମଠରେ ରହିଥାନ୍ତି, ରାତ୍ରଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦାରୁ କେଉଁଠି ଅଛି ମାଆ କହିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଆସିଗଲା ଯେ ଏଇଠୁ ଅମୁକ ଦାରୁ ଉଠିବ, ସେଇ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ର ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ସେ ଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ 200 ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଥିବେ ପଡ଼ିଆରି ସେ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ହରହରଣ କାହିଁ ଏଠି ହବିହରଣ କାହିଁ ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାକାର ବିଶେଷତା ହେଲା ଏଇଠି ପଞ୍ଚରାତ୍ର କରାଯାଏ, ଏଠି ଭାଗବତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ାଯାଏ, ତାକୁ ପାରାୟଣ ପ୍ରବଚନ କରାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନେତବନ୍ଧା ଉତ୍ସବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୟଦେବ ଜୟନ୍ତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ଭସାଣୀ ପର୍ବ, ବୋଇତ ଭସାଣୀ ପର୍ବ, ଏ ହେଲା ଏଠାକାର ବିଶେଷତା।